राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरि बोल। हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास पंडित युद्ध में नृत्य कीर्तन कर रहे थे, ठीक उसी समय में श्रीवास का जो बेटा ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन छोड़ने पर भी, लेकिन साधारण लोग होते तो फिर तो वो खुद भगवान को छोड़ देते, लेकिन अपना बेटा शरीर छोड़ने पर भी उनने विचलित नहीं हुए। बोले एक दिन तो शरीर छोड़ना ही है, लेकिन साक्षात महाप्रभु जहाँ पर कभी जिनका एक बार नाम श्रवण करने पर चंडाल भी सारे पापों से मुक्त होकर के भगवत गति को प्राप्त करता है, और जहाँ पर साक्षात भगवान नृत्य कीर्तन कर रहे हैं उनके नृत्य कीर्तन श्रवण करते करते अगर किसी ने शरीर छोड़ा तो कितने सौभाग्य की बात है, कितने सौभाग्य की बात है। इसलिए उन्होंने दुर्भाग्य नहीं समझे, सौभाग्यवान समझे, और उन्होंने जितने पहले प्रसन्न होकर के कीर्तन कर रहे थे उससे ज्यादा प्रसन्न दिखाई पड़े। जब महाप्रभु को ये बात पता चला, महाप्रभु तो रो पड़े। बोले हैं, बोले श्रीवास पुत्र सो को ना जानी लग जे महाराज प्रेमे हिम्मत संगम हुई झाड़ी वक्त मने। महाप्रभु दुखी होकर कह रहे हैं, बोले जिसने अपना बेटा शरीर छोड़ने पर भी उसको शोक को मेरे सुख के लिए उसका सुख दुख को भी जिसने दुख नहीं समझा, अभी ऐसे भक्तों का संग को मैं कैसे छोड़ पाऊंगा। मतलब जो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी ग्रहण करेंगे, इन्होंने यहीं पर उन्होंने इशारा दे दिया और भक्त लोग समझ गए महाप्रभु ज्यादा दिन संसार में नहीं रहेंगे, महाप्रभु सन्यास ग्रहण करने वाले। इसलिए सारे भक्त लोग दुखी दुखी हो गए हैं। बोले श्रीवास तुम्हारी एक बेटा थे ना, आज से हम तुम्हारे दो बेटे हो गए, एक नित्यानंद और एक मैं, आज से तुम्हारे हम दो बेटे बन गए। भगवान क्या शिक्षा देते हैं, जिसने भगवान को जीवन का सर्वस्व माने, भगवान के सुखी में सुखी, भगवान के दुखी में दुखी होना। भगवान कहते कोई चिंता मत करो, एक दिन मैं तुम्हारी असली बेटा तो मैं हूँ ना, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो। लेकिन जीव मेरे को सब कुछ नहीं मान करके किसको सब कुछ मानता है। बोले ये दुनियादारियों को, जीवन का सब कुछ दुनियादारियों को मानता है, हैं? लेकिन जीवन में मेरे को सब कुछ नहीं मानता, लेकिन जो मेरे को सब कुछ मानता है मैं भी उसको जीवन में सब कुछ उसको मानता हूँ। बढ़ते
मन महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने वाले हमारे धीरे धीरे प्रभु अध्यक्ष काले चीज प्रसाद सेवा है, इसलिए प्रसाद की व्यवस्था करो। जब उन्होंने ये बोले, इतने में इसको देखते ही शुक्लांबर ब्रह्मचारी बोले, क्या आज मेरे घर में केवल भक्ति धन ने दुर्योधन का भोजन को स्वीकार नहीं किया। तो स्वीकार नहीं किया तो दुर्योधन ने पूछा, आप कहाँ पर खाओगे? अगर मेरे भोजन नहीं करोगे, मैं तो पहले से ही विदेश से बढ़िया बढ़िया मैंने मिस्त्री बना कर लाके आया हूँ, और आपके लिए एकदम बढ़िया छप्पन भोग 36 व्यंजन बनाया। भोजन नहीं करते पहले मेरे को बोल देते, हैं खबर पहुंचा देते। आज भोजन करूंगा नहीं, पहले तो बोले ही नहीं, अभी आ करके तो भोजन नहीं करोगे, है इसलिए नहीं करोगे ना, बांध डालूंगा तुमको। बोले मेरे को बांध दो, बोले और क्या है, पहले बताए नहीं क्यों भोजन नहीं करोगे, बोले इसको बांधो इसको, बोले मेरे को बांध दो, बोले और क्या, बांधो इसको, पकड़ो इसको। इतने में भगवान कृष्ण अपना विराट रूप दिखाया है विराट, और श्री भीष्म जी है, भीष्म जी धृतराष्ट्र को बोले अपना बेटे को बताओ क्या कर रहा है क्या, बोले भगवान को बांधने के लिए कह रहा है। बोले कहाँ भोजन कर, बोले कहीं भोजन कर ही लूंगा, लेकिन भगवान क्या किया, जाकर के यहाँ पर कहते हैं शूद्रार पुत्र विदुर स्थाने, कहते हैं ये श्री विदुर जो दासी पुत्र है, उनको दासी पुत्र विदुर को पास में उन्होंने जाकर के वहीं पर भोजन किया। अन्न मांगे खाई लो भक्ति कारण, जहाँ कितने वैकुंठ में भगवान के अनंत वैकुंठ है, अनंत लक्ष्मिया, और उनको भगवान के लिए क्या करते हैं, छापान भोग और 36 व्यंजन बना बना करके भगवान को अर्पण करते हैं। कहा अनंत करोड़ वैकुंठ में भगवान की सेवा होता है, लेकिन भगवान जिसको ऊपर कृपा करते हैं, जिसकी भक्ति देखते हैं, भगवान क्या करते हैं, बोले वहां जाकर भगवान स्वयं मांग करके भोजन करते हैं। इसलिए यहाँ पर बोले शुक्लांबर ब्रह्मचारी को, बोले देखो तुम बड़े सौभाग्यवान हो, आज भगवान स्वयं कहते तुम्हारे घर में भोजन करेंगे, इसलिए जाओ जल्दी जल्दी स्नान करो, जल्दी जल्दी स्नान करके आओ और भगवान के लिए रसोई बनाओ। जल्दी जल्दी गए, स्नान करके आए, स्नान करके ठाकुर जी के लिए बड़े सुंदर सुभाषित पानी जल में गर्म किया करके उसमें चावल डाल दिया, चावल डाल करके जो थोड़ मोचा होता है ना मंजा है, उसमें है उस चावलों के अंदर में सब कुछ डाल दिया। डाल करके तो उन्होंने क्या किया, इतने में उन्होंने प्रभु का स्मरण किया है, क्या स्मरण किया, बोले सही क्षणे भक्त रमा जगत माता दृष्टिपात कर महाप्रतिव्रता। अभी ठाकुर जी किसके हाथ के भोजन करते हैं, भगवान सबके हाथ के भोजन नहीं कर ग्रहण करते हैं, कृष्ण केवल राधा रानी के हाथ की दिया हुआ वस्तु केवल राधा जी के हाथ की भोजन करते हैं, हैं? और जगन्नाथ जी, हम यहाँ कहते हैं ना जगन्नाथ जी, किस जगन्नाथ मंदिर में कौन भोजन बनाता है, लक्ष्मी, वहां पर भोजन लक्ष्मी बनाती हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति का हाथ का भगवान भोजन नहीं करते हैं। और इधर राधा रानी का दुर्वासा जी ने इनको वरदान दिया था, जो वरदान दिया था तो एक कहानी सुन लो, कथा सुन लो। बोले एक समय कहते से वृषभान महाराज और नंद बाबा, ये दोनों में बड़ी प्रीति थी, क्योंकि ब्रज में ये दोनों राजा थे, इसलिए जब करी करी जाते थे, ज्यादा दूर आपस नहीं रहते थे, वो पास पास में रहते थे, इसलिए जब कृष्ण नंदगाम थे वृषभान महाराज बरसाना में रहे, पास पास में बरसाना नंदगाम वहीं पर रहे। फिर जब श्री नंद बाबा छोड़ करके फिर नंदगाम को छोड़कर गोकुल में आए गए, फिर वृषभान महाराज क्या किया, उन्होंने बरसाना छोड़ करके रावल में आ गए, पास में रावल और गोकुल पास में, पास पास में, इसलिए जहां जहां रहते थे वो दोनों राजा मित्र थे, आपस में दूर नहीं पास पास में रहते थे। अगर नंद बाबा के घर में कोई अगर उत्सव हो,
वृषभानंद महाराज को बुलाते थे। वृषभानंद महाराज घर में कोई उत्सव हो, श्री नंद बाबा को बुला, मित्र मित्र को दोनों राजा बुलाया करते थे। एक दिन श्री वृषभानंद महाराज ने नंद बाबा को निमंत्रण दिया, बोले आप कृपा करके आओ, आज हमारे घर में उत्सव है, इसलिए आप कृपा करके आओ। जब उन्होंने उनको निमंत्रण दिया, बोले अकेले नहीं आना है, अपना पत्नी को साथ में और जितने कृष्ण और जितने ग्वाल बाल को साथ में सबके सब आज घर में आओ। जैसे कोई राजा दो नहीं राजा है ब्रज के, अभी अगर एक राजा दूसरे राजा को निमंत्रण करे हम क्या करते, हम बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाते, उनके लिए कोशिश करते हैं, विशेष पंजरी का सब्जी, पुष्पान्न, मिठा है, इसलिए अच्छे से अच्छे बढ़िया बढ़िया भोजन कराना चाहते। अभी वृषभानंद महाराज ने देखा आज स्वयं नंद बाबा, मैया जसोदा, कृष्ण, बलराम सब ग्वाल बाल को साथ में आएंगे, बढ़िया भोजन होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने राधा रानी को बुलाया, क्योंकि दुर्वासा जी का वरदान है, जो कुछ उनका हाथ में बनेगा वो सब के सब अमृत बनेगा। अभी राधा रानी को बुला करके उन्होंने सब उसने खाना बनाया है, खाना सुखद हसका दिभाजी ललिता कुष्मांड दुग्ध है, उसके बाद में लुची चीनी सरपड़ी रसावली चढ़ा चक उन्होंने सही राधा रानी बनाया। राधा रानी बना करके अभी बोले देखो श्री श्री नंद यशोदा को वृषभानंद महाराज कृतिका सुंदरी भजन कराएंगे, कृष्ण और उनको सखाओं को राधा रानी अपना सखियों को साथ में उनको भजन कराएगी। अभी कृष्ण जो भजन किया था अभी तक मैया यशोदा और माता रोहिणी ने जो बनाते भोजन उसी को भोजन किए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने कभी राधा जी के हाथ का भोजन कभी खाए नहीं। जब श्री राधा रानी एक एक बढ़िया बढ़िया चीज बनाई थी, जब राधा रानी एक एक चीज कृष्ण को परोस रहे थे, इसलिए नियम है जब जैसे जैसे हमारे उड़ीसा में भी है और जैसे उत्तर प्रदेश में क्या क्या करते भोजन में एक साथ में सब चीज देंगे, मीठा खट्टा नमकीन चावल सब एक साथ में दे देंगे, फिर तुमका जो इच्छा वहां से थोड़ा मीठा थोड़ा चावल ऐसे खाते हैं, लेकिन ये बंगाल में ऐसे नहीं है, इसलिए देखना सुखता पहले सुखता देंगे, उसके बाद में साग देंगे, उसके बाद में लाबड़ा, फिर उसके बाद में फिर दाल देंगे, बाद में फिर पुष्पान्न देंगे, फिर उसके बाद में फिर पनीर सब्जी, फिर दही, ऐसे ऐसे उसका नियम है। अगर पहले अगर जो चीज देना चाहिए अगर वो नहीं कि दूसरा चीज दे देंगे ना बंगाल लोग बिगड़ जाएंगे, बोले कोई खिलाने का तरीका है सब दे दिया एक साथ, ऐसे कोई खाता है कोई, ऐसे नहीं देते, इसलिए गौड़िया मठ में परिवेषण भी उसका एक सिस्टम करते हैं, एक अलग सिस्टम है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने सुखदा सागर भाजी डाली थी, इसलिए उन्होंने बताया पहले क्या खानी चाहिए, उसको बाद में क्या खानी चाहिए, उसको बाद में क्या खानी चाहिए, सुखदा सा कुछ होगा कोई चीज होगा, इसलिए अभी जब एक राधा रानी जब श्याम सुंदर को भजन करा रही थी, जब एक एक चीज उनको भाजी भुजा जो कुछ देते जब खिला रहे थे ना, कृष्णा जब एक एक चीज वो खाते थे लगता था जैसे अमृत खा रहा है, अमृत जैसे भोजन कर रहा हूँ, इतनी स्वादिष्ट बनाई थी। कृष्ण तो एक एक चीज खा खा करके ना सारा दुनिया को भूल रहे थे, बोले जीवन में कभी भी इतने स्वादिष्ट वस्तु हमने कभी भोजन नहीं किया। और लास्ट में जब उन्होंने मनोहर लड्डू स्पेशल लड्डू जिसमें काजू पिस्ता हाँ और सब डाल करके बनाते हैं मनोहर लड्डू प्योर घी से है, जब घी लड्डू खाए कृष्ण तो सारा दुनिया को भूल गए, बोले भगवान कभी मैंने इतने बढ़िया चीज हमने कभी भोजन ही नहीं किया, कभी इतना बढ़िया चीज, कृष्ण भूल गए सब चीज को। जो बोले इतने में जब कृष्ण फिर वापस आए है, जब कृष्ण वापस आए कहाँ पर नंद भवन में वापस आए, अभी मैया रोहिणी जसोदा इनका हाथ का जो खाना उन्होंने खिलाया ना, अगर कहीं जाकर बढ़िया चीज खा करके आओ, अगर घर में आए अगर ऐसे चीज नहीं बने फिर क्या बोलते, बोले मैया ऐसे बनाओ ना, क्या बनाया उस दिन, खाया कि नहीं, देखा कि नहीं कितना बढ़िया बना था। इतने में कृष्ण कहता बोले मैया हम जब गए थे ना बरसाना गए थे, देखा है ना कितने सुंदर सुखद सुप्त, कितना सुंदर भाजी, कितने सुंदर मिठाई बनाए थे, ऐसे बनाओ ना, उसने खाया कि नहीं, बोले हाँ, बोले ऐसे बनाओ ना, ये क्या बना रहे हो। अभी कृष्ण तृप्त होकर के भोजन नहीं करते कि मुझे बढ़िया चीज मिली है,
अभी कृष्ण तृप्त होकर भजन ही नहीं करते। अभी मैया जसोदा देखती हैं, कहते मैं तो बढ़िया से बढ़िया कोशिश करती हूँ बनाने के लिए, लेकिन अभी लाला ठीक से भोजन नहीं करता, मेरे लाला का पेट भरता नहीं। हर माँ क्या चाहती है, मेरा बेटा अच्छे तरह से भोजन करे, शरीर एकदम इष्ट पुरुष बने। हर माता ये चाहती, बच्चे हमारे अच्छे बने। लेकिन अभी मैया जसोदा मन में दुखी रहती हैं, हमारे लाला कान्हा अभी ठीक से भोजन नहीं करता। इसलिए श्री मैया जसोदा क्या करती हैं, जटिला कुटिला को लोभ दिखा करके धन दौलत गहना और अलंकारों को भेज करके राधा रानी के लिए वहां से राधा रानी को बुलाती है, क्योंकि थोड़ा लोभी ऐसे तो अपना बहू को छोड़ेगी नहीं है, वो बहू को छोड़ेगी नहीं, इसलिए उन्होंने लोभ दिखा करके वहां से राधा रानी को बुलाती है और राधा रानी आकर के भोजन। इसलिए कृष्ण सबका हाथ का चीज नहीं खाते है, किसका हाथ खाते है, राधा रानी के हाथ की भोजन, लक्ष्मी के हाथ की भोजन खाती है। इसलिए नियम है, हमारे गुरु जी कहते थे जब रसोई बनाने के लिए जाओ ना, ऐसे नहीं पहले आकर के ठाकुर को प्रणाम करो, राधा रानी को प्रार्थना करो, हे राधे रसोई तो आप ही बनाओगे, क्योंकि आपका हाथ के बगैर तो कृष्ण भोजन करेंगे नहीं, इसलिए आप ही तो भोजन बनाओगे, इसलिए मैं तो केवल आपको मदद करूंगा, हैं मैं मदद करूंगा। इसलिए हमारे मंदिर में एक भक्त था रूप सनातन, उसका नाम था पार्थ, वो है ना, वो जो रसोई बनाने के लिए जाता था, ऐसे नहीं हाँ करके ठाकुर जी को प्रणाम करेगा, प्रार्थना करेगा, फिर जाकर के वो जाकर बड़े शुद्धाचार है, बड़े शुद्धाचार जाकर के फिर जाकर के वो प्रसाद बनाएगा, बोले राधा रानी तो रसोई बनाएगी, मैं थोड़ी रसोई बनाऊंगा। भावना क्या है, भावना ऐसे होनी चाहिए है, इसी भाव से जाकर के रसोई बनाओ तो फिर तो वो अच्छा बनेगा ही। इसलिए यहाँ पर कहते सही खड़े भक्त अन्य रमा जगत माता, जब उन्होंने राधा रानी को स्मरण करते हुए जब दाल चावल छोड़े, बोले हे राधे हे जगत माता हे जगत जननी लक्ष्मी, आप तो भगवान के लिए खाना तो आप ही बनाओगे, इसलिए दृष्टिपात कर ले महापति व्रता। जब इसी भाव को साथ में कोई रसोई बनाए फिर तो राधा रानी तो देखेगी ना, जब ये मेरे नाम को लेकर के रसोई बना रहे तब तो कृपा दृष्टि करेगी है, फिर उनकी उनके ऊपर में कृपा दृष्टि हुई। इसलिए महाप्रभु गए थे गंगा स्नान करने के लिए, महाप्रभु गंगा स्नान करके आए, आ करके फिर ठाकुर जी को भोग लगाए, भोग लगा करके महाप्रभु भक्तों को साथ में महाप्रभु ने प्रसाद पाई, प्रसाद सेवन किया है। जब प्रसाद सेवन किया यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु एमन और स्वाद नहीं पाई यार, महाप्रभु प्रसाद पाते समय इतने खुश हो गए, क्योंकि भक्ति भाव को साथ में रसोई बनाए ना, भक्ति भाव के साथ में जब कोई भोग लगाएंगे वो भी भक्ति भाव, इसलिए कहते ना पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्त्या प्रयचति तद अहम भक्त उपहृत असनामी प्रयचतात्मा, वहाँ प्रेम को साथ में सब बात बताए, जब भक्त हम भक्ति को साथ में मेरे को प्रदान करता है मैं उसको ग्रहण करता हूँ। इसलिए हर चीज में भक्ति होनी चाहिए, मैं रोत्या भक्ति। इसलिए यहाँ पर कह रहे एमन अन्न स्वाद नहीं पाई यार, आज जो अन्न में जो स्वाद है ऐसे स्वाद मैंने कभी देखा ही नहीं। जब महाप्रभु प्रसाद पाते से बड़े प्रसन्न होकर के अंगुल को चाट चाट करके खाए महाप्रभु है, कोई कोई बढ़िया चीज बना हुआ देखना है एकदम अंगुल को चाट चाट कर खाते हैं। इसलिए महाप्रभु जब प्रसन्न होकर के प्रसाद पाए है, भक्त लोग वहां पर देख करके शुक्लांबर ब्रह्मचारी का भाग्य को देख करके, बोले देखो कहां ये शुक्लांबर साधारण कहां गरीब व्यक्ति, महापुरुष कितने प्रसन्न होकर के प्रसाद पाए। इसलिए सब भक्त लोग ने बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, सब भक्तों ने क्रंदन किया। यहाँ पर कह रहे हैं बोले जे प्रसाद पाई लो भिक्षु सुकाम शुक्लांबर देखो का अभक्त जत पापी कोटीश्वर। यहाँ पर कह रहे हैं ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी ये भिक्षु मतलब घर घर में भिक्षा करके इसको द्वारा अपना जीविका निर्वाह करता था, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर यहाँ कह रहे हैं जो प्रसाद आज शुक्लांबर के प्रति महाप्रभु ने किया, एक भिक्षु के ऊपर में महाप्रभु ने कृपा किया, देखो का अभक्त जब तक पापी कोटीश्वर, कहते इसको जो कोटीश्वर है जो बड़े बड़े पैसा वाले ये चीज को देखे, क्यों भगवान केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं,
द्रव्य से संतुष्ट नहीं होते हैं भगवान, केवल हमारी प्रीति भावना भक्ति को ही दर्शन करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु, साधारण उसका घर भी साधारण था, लेकिन महाप्रभु अपना भक्तों के साथ में वहां भोजन किया और भोजन करके महाप्रभु ने कृष्ण कथा की, कृष्ण कथा करके महाप्रभु वहीं पर उनने भक्तों के साथ में उनने शयन भी किया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हर जगह पर ऐसे नहीं गए और केवल पेट भर कर प्रसाद पाए और चले गए, ये नियम नहीं है। नियम क्या है, कहीं पहले जाओ ना, किसी जैसे हम किसी गृहस्थ घर में कहीं गए, ऐसे नहीं गए और जल्दी जल्दी प्रसाद लाओ, नहीं ऐसे नहीं। इसलिए हम गुरु वर्ग ने सुना है जब किसी व्यक्ति गृहस्थ भक्त घर में जाओगे उससे हम कुछ ग्रहण कर रहे, इसके पहले क्या करो, पहले कुछ तो ददाती प्रतिगृहणाती हुई माख्यत पुच्छति भुक्ते भोजय तचैव सर्वविधि प्रतिलक्षणम्। इसलिए किसी भक्तों घर में गए बस कुछ नहीं, कीर्तन हरि कथा कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी प्रसाद लाओ, नहीं उनका ऋणी रहना पड़ेगा, उसका घर का ऋणी रहना पड़ेगा। इसलिए पहले जा कर के कम से कम थोड़ी घर में कीर्तन करो है, उसको बाद में हरि कथा करो, हरि कथा को बाद में फिर जा करके प्रसाद सेवा करो, नहीं तो हम उसको ऋणी बन जाएंगे, गृहस्थ व्यक्ति के भक्त हम ऋणी बन जाएंगे। कभी कभी होता है ना, हम लोग कभी कभी ये ड्रेस ले लेने पर, साधु का ड्रेस ले लेने पर अभिमान हो जाता है, अरे हम साधु बन गए हमारा क्या हो जाएगा है, हम तो भी साधु बन गए हमारा क्या हो जाएगा, हम तो बहुत बड़े बनेंगे और सब घर में भोजन करेंगे और दक्षिणा लेंगे, चलो भोजन हो गया दक्षिणा हो गया, नहीं अगर उस घर में कीर्तन हरि कथा नहीं किया ना, फिर अगले जीवन में उस घर में बैल बनना पड़ेगा। हाँ ये मैंने कथा सुनी है, बोले दो गुरु भाई थे अभी दो गुरु भाई किसी एक सेठ घर में गए, जबकि सेठ घर में जाओ ना, कुछ कुछ लोगों का ऐसी भावना है घर में साधु आए उनको अच्छे तरह सेवा करनी चाहिए, जाओ तो वो कोशिश करते हैं तुमको अच्छे तरह से भोजन कराने के लिए कोशिश करते हैं। जो दो गुरु भाई थे, एक गुरु भाई बड़ी लोभी था, खाने में भी तेज था, जब देखा पहला दिन में पनीर का सब्जी, रसमलाई, लड्डू, चपचप और बढ़िया बढ़िया भोजन, एक गुरु भाई जो खाने पीने का जो तेज था, बोले भैया बढ़िया जगह पर आ गए, कुछ दिन यहाँ पर रह करके थोड़ा शरीर को बना कर खा पी कर शरीर बना करके जाएंगे। जब दूसरा दिन ही हो गया, लेकिन दूसरा जो गुरु भाई को भजनानंदी, ये था भोजनानंदी, वो था भजनानंदी, उसको पता है उसका जो चीज खा रहे हैं ऐसे वो दे नहीं रहा है, कोई भी ऐसे नहीं देता है, जो देता है वो कुछ सोच करके देता है। इनको जो हम सेवा कर रहे हैं, हमारी घर की कल्याण हो, हमारी घर का बीमारी खत्म हो जाए, घर में शांति सुख आए, पता नहीं उसका कितनी कामना वासना, हजार कामना वासना उसको होता है। इसलिए जो दक्षिणा शब्द है ना, कहते पाप का दक्षिण भाग है, कहते पाप का ये दक्षिणा भाग, इसलिए दक्षिणा कहते हो पाप का हिस्सा है। इसलिए नियम है ब्रह्मचारियों को जो दक्षिणा बकड़ा मिलता है ना, वो पैसा को नहीं रखनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, मटका जो इंचार्ज को दे देनी चाहिए, गुरु जी को दे देनी चाहिए, जैसे वो पैसा सच मुझसे भगवत सेवा में लग जाए, तभी उसका भी कल्याण हमारे भी कल्याण। अगर वह चीज को अगर हम किसी अपने भोग में लगा देते हैं, फिर तो उसका सारे पाप हमें भोगना पड़ेगा, फिर तो प्रेत जन्म जाना पड़ेगा, प्रेत जन्म में शास्त्र कहता है, प्रेत जन्म में कोई का पुजारी था, एक किसी ने राधा रानी के लिए सोने की उन्होंने नथ दिया, राधा रानी के लिए सही घटना है, राधा रानी के लिए सोने की नथ बना करके दिया, लेकिन वो पुजारी था गृहस्थ, उसने क्या किया, राधा रानी को तो नकली नथ बना कर पहना था उसको दिखाने के लिए, लेकिन अपना राधा रानी को उन्होंने असली जो सोने की था नथ असली और अपनी अपना राधा जी को पहना दिया, अगले जीवन में प्रेत जन्म में उसको जाना पड़ा, भूत होकर जन्म लिया। इसलिए जो भगवत संपत्ति है वो चेहरे है, ये तो चेहरे, अगर ये चीज सही सही अगर ठाकुर के सेवा में, गुरु वैष्णव के सेवा में लगता है, फिर तो ये वस्तु हमारी कल्याणदायी होता है, नहीं तो ये पता नहीं कहा। अभी एक भजनानंदी, एक भोजनानंदी, अभी जो भोजनानंदी था उसने कहा बढ़िया जगह पर कुछ दिन रह जाए, लेकिन जो भजनानंदी था ना दूसरे दिन, बोले चलो गुरु भाई चलो चलते, बोले कहाँ, बोले चलो हम जाएंगे अपना भजन करेंगे अपना दूसरे जगह पर जाएंगे, बोले तुमने देखा है नहीं कितना बढ़िया बढ़िया उसने भोजन रात को दिलाया, अरे यहाँ पर कुछ दिन रह करके बढ़िया से भोजन करके चलते हैं,
थोड़ा शरीर बन जाए, थोड़ी जाएंगे इतना से। बोले क्या उसको घर में बैल बन करके बना बेटा, उसको अगर खाओगे ना अगले जीवन में उसको घर में बैल बन करके आओगे, तुमको डंडा मार मार करके कोड़े मार मार करके तुमको खेती कराएगा वो बैल, इसलिए खबरदार यहाँ पर रहना ही, उठो जल्दी चलो अपना भजन साधन करेंगे, अपना भक्ति अपना भजन साधन करेंगे, जल्दी जल्दी चलो है। इसलिए दूसरे दिन से फिर गुरु भाई को लेकर भाग गए, बोले चलो जल्दी चलो यहाँ से। इसलिए हमें भगवान की भक्ति, इसलिए मंदिर में हम जो कुछ खाते हैं ये भिक्षा अन्न, ये भिक्षा को द्वारा अन्न है, दूसरे कोई व्यक्ति मंदिर में देता है वो ऐसे कोई नहीं देता है, जो देता है वो सारी कामना वासना को लेकर के देता है, सारी कामना वासना को लेकर देता है। इसलिए क्या करनी चाहिए, हमें उतना भजन करनी चाहिए है? गुरुदेव कहते थे उतना भजन करो जो दूसरा व्यक्ति देता है उसको जैसे पूरी हो जाए और जैसे कुछ बच जाए है? कुछ बच्चे, जैसे हमने 100 रुपया कमाया, अगर 100 रुपया का खाना खा लिया तो फिर खत्म हो गया, अगर 200 रुपया कमा करके 100 रुपया खाए तो 100 रुपया बचत हो गया है। इसलिए हमें उतना भजन करनी चाहिए जो व्यक्ति का हम भोजन कर रहे हैं जैसे उसको वापस चल जाए, उसको भी कल्याण हो और उससे कुछ हमारी बच जाए। इसलिए क्या करनी चाहिए, सवेरे में जैसे मंगला आरती में आना है, ये साधन है, ये साधन, ये तपस्या है। तपस्या मतलब तप मतलब होता है शरीर को तपाना। बताओ हम जिस समय सवेरे मंगला आरती में उठते हैं, गृहस्थ लोग उसी समय में बढ़िया से सोते हैं, क्योंकि सवेरे का जो नींद होता है सबसे बढ़िया नींद होता है। लेकिन उसी समय में हमको मंगला आरती में उठना पड़ेगा, हम घड़ी देखते हैं कितना बज गया, बोले 3:30 बज गया, बोले और थोड़ा आधा घंटा सो जाते हैं, क्योंकि 4:30 बजे आरती होगा ना, अगर 4 बजे उठ जाएंगे तो नहा धोकर तिलक करके चले जाएंगे, इसलिए और आधा घंटा, अभी पौने 4 बज रहा है, बोले और भी थोड़ा सो सकते हैं। इसलिए फिर लेकिन मंगला आरती में जाना पड़ेगा हमको, इसलिए हम क्या करते हैं एकदम सवेरे से उठ करके एकदम स्नान करके तिलक तिलक लगा करके आते, ये तपस्या है, यही तपस्या है। इसलिए ऐसे नहीं मंगला आरती हो गया उसके बाद फिर जा रहे और एक बार नींद सो जाए, नहीं, सवेरे सवेरे क्या करो, हरिनाम करो, सवेरे हरिनाम ग्रंथ बड़ा श्लोक जो याद करते हो, ये साधन करनी चाहिए। ऐसे नहीं मंगला आरती बाद में आए फिर जाकर और 1 घंटा मार लो, नहीं, ये सवेरे भजन साधन का समय है, सवेरे नहीं सोनी चाहिए। इसलिए मैंने कथा सुन रहा था, कहते सवेरे एकदम ब्रह्म मुहूर्त बाद सवेरे समय जो सोएगा एकदम बीमारी पड़ेगा और उसके पास में लक्ष्मी नहीं जाएगी, वो घर में लक्ष्मी भी नहीं टिकेगी। जिस शाम को और सवेरे सवेरे और शाम घर में लक्ष्मी तुम्हारी नहीं आएगी, शरीर बीमारी रहेगा और लक्ष्मी घर से चली जाएगी, घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी तुम्हारी घर में। इसलिए उस समय साधन भजन हरि नाम करो, श्लोक याद करते श्लोक याद करो साधन भजन, हाँ जब कीर्तन हरि कथा सब जब समाप्त हो जाए फिर जब प्रसाद ग्रहण करते हैं उसको बाद में जाकर के फिर विश्राम कर, कोई बात नहीं, क्योंकि 4 बजे उठे तो शारीरिक क्लांति है, उसको बाद में विश्राम कर अगर हो तो करो, नहीं तो दोपहर में तो विश्राम तो है ही है, दोपहर में तो विश्राम है ही है, दोपहर में विश्राम करते हो, अगर सवेरे कर ले तो अच्छी बात, फिर दोपहर में शास्त्र पढ़ो। इसलिए ये हमारी साधन भजन का जीवन है, ये साधन भजन जीवन में हमें साधन करनी चाहिए, जैसे लगे हम कुछ कर रहे हैं, क्या लगे हम कुछ साधन जैसे कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, कष्ट करेंगे तब तो कृष्ण मिलेगा ना, कष्ट किए बगैर कृष्ण मिलेगा कहाँ से हैं। इसलिए साधन भजन अपना हरिनाम अब जो श्लोक याद करते हैं अच्छे तरह साधन भजन करो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु ने क्या किया, केवल शुक्ला पर घर में नहीं गए, केवल प्रसाद पा नहीं लिए, इसलिए यहाँ कह रहे हैं उनने भजन कीर्तन वहां पर किया, उसको घर में भक्त लोग ने कीर्तन किया है, उसके बाद में वहां पर हरि चर्चा हुई है, वहां पर हरि चर्चा हुई, हरि कथा हुई, फिर उसको बाद में महाप्रभु ने वहां पर शयन भी किया है, महाप्रभु उसको घर में शयन भी किया। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु शिक्षा देते हैं भक्त लोगों को, दूसरे घर में जा करके उनके घर में ऋणी मत रहो, वहां पर कृष्ण कथा करो, कृष्ण कीर्तन करो, क्योंकि भक्त लोग जो दूसरे घर में जाते हैं किस लिए जाते हैं, कहते महत स्वभाव ही ताते पामर
निज कार्य नाही तब जान बरगन। इसलिए महत का जो स्वभाव है दूसरों को कल्याण करने के लिए, कल्याण कैसे होगा? कीर्तन और हरि कथा से ही गृहस्थ व्यक्ति का कल्याण होता है। इसलिए उनको देख करके फिर भोजन करनी चाहिए। ठीक है, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि वो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा गौर ब्रह्मानंदे हरि।